आप सांभळी रह्या छो वार्तानी रसधारमां योगीजी महाराजनी बोधकथा अजामेळनो उद्धार। नारदजी फरता फरता एक गाममां आव्या। सांज पड़ी गई हती। तेमणे गाममां लोकोने पूछ्यु के अहीं कोई ब्राह्मणनुं घर छे? त्यां लोकोए मस्करीमां कीधुं के जाओ अजामेळ ब्राह्मण छे तेने घेर। पछी तो तेओ अजामेळनुं घर पूछता पूछता गया। अजामेळे मुसलमान बाई राखेली। ते पूर्वनो ब्राह्मण हतो पण कुसंगथी आवुं थयुं हतुं। पछी तेमणे पूछ्युं के तमारी गौशाळा होय त्यां अमे उतरीए? अजामेळे हा पाड़ी। पछी त्यां उतर्या। तेमणे खावुं पीवुं नहतुं। अजामेळ तो बकरा वेचवानो धंधो करतो। सवारथी सांज सुधी आज धंधो करे अने बकराओ कापे। घरमां बकरा मरेला पड्या होय। घरना माणसे कह्युं के तमारा पूर्वना कोई गुरु छे तो तेमनी पासे जाओ। ते हाथ पग धोईने साधु बैठा हता त्यां आव्यो अने साधुना पगमां पड़ी गयो। नारदजी कहे ब्राह्मण थाओ। ते रड़ी पड्यो अने बोल्यो महाराज मने आ पापमांथी छोड़ावो। साधु कहे तारो धर्म तू भूली नहीं जतो। तेणे कह्युं हवे मारथी नियम न पड़े। नारदजीए पूछ्यु तमारा दीकरा केटला? तो कहे चार दीकरा, हजु नाम पाड़वा छे। नारदजीए कह्यु नूर मोहम्मद का, मोहम्मद खा, जमाल खा एवा नाम बैरा पाड़से। तो कहे तारा दीकरानुं नाम हिंदू पाड़िए। पछी नारदजीए पूछ्यु तमारा घरना माणसने पूछो नारण नाम पाड़वा देशो? तेणे हा पाड़ी। पछी नारण नाम पाड्युं। आ छोकरामां तेने बहु हेत, तेथी अंतकाळे नारायण नारायण करवा माँड्यो। तो जम जता रह्या ने भगवानना पार्षद तेड़वा आव्या। नारण नाम घणा पाड़े छे पण नारदजीना वचने नाम पाड्युं तो उद्धार थयो। एकांतिक संतना वचने जीवन राखे तो कल्याण थाय।